अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। शहीद सियालवी आपसे मुखातिब हूँ। आज गाजी खालिद, जिनका नाम मशहूर था, एक्चुअली इनका असल नाम है गाजी फैसल, तो वहाँ पर नाम खालिद मशहूर हो गया कल इनके एक्ट के बाद। तो ये आज हम लोग हैं पेशावर में और इनके घर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त उबैदुल्ला अनवर साहब, और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जो वकला हैं वो, और पेशावर हाई कोर्ट के जो वकला हैं उनके वफ्द के साथ हम लोग गए उनके घर वालों से ये मिल के बताने के लिए कि एक तो आपका केस हमारे ज़िम्मे है, इसके अलावा आपके जितने अखराजात इस मामले में हैं वो भी हम लोग जितना कर सके आप लोगों ने हमारे वो ज़िम्मे रखना है, और हम लोग बहसियत एक उम्मती कि जो शख्स अपनी जन्नत तो पक्की कर गया है, कम अज़ कम उस खाते में हम लोग भी अपना गुनाह बख्शवाने के काबिल हो जाएँ। तो इस मामले में मुझे आज वो तारीख दुराती हुई नज़र आ रही है, और आज मुझे फ़ख्र इस बात का महसूस हो रहा है कि एक दौर था जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह निकले थे गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की रिहाई कैंपेन के लिए, और उसके साथ ही उनका केस भी लड़ा। आज यूँ फील हो रहा है कि हम आज अपनी ज़िंदगी के 25 साल गुजारने के बाद उस मकाम पे पहुँचे हैं कि हम कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के कदमों पे चलना शुरू हो गए हैं। कोई थोड़ा बहुत आज हम उनको हकीकी मायनों में फॉलो करने लग गए हैं, और ये वो इकबाल और कायद का पहलू था जो कि हमसे छुपाया गया था हमेशा। और यकीन करें वो दिली सुकून मिला आज जो शायद ज़िंदगी में बहुत कम मिला हो, और वो सुकून इस बात का था कि हम लोग, हमारी बदनसीबी समझे कि हम गाजी इल्मुद्दीन शहीद के दौर में नहीं थे, लेकिन खुशनसीबी इस बात की थी कि गाजी फैसल, जिसे गाजी खालिद के नाम से मशहूर किया गया, हम उस गाजी फैसल के घर वालों से मिले, उसके भाइयों से मिले, उसके चचा से मिले, उसकी बाकी फैमिली से मिले, हमारा सीना चौड़ा हो गया। और इस नौजवान ने इस हद तक हमें मोटिवेशन मिली इस नौजवान से कि आलम में कुफर में एक लर्ज़ा बरपा हो चुका है, लर्ज़ा तारी हो चुका है, एक जिलजिला आ चुका है आलम में कुफर में। उसकी वजह यह है कि वो मुसलमानों के दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प को निकालना चाहते थे निसाब में अमेंडमेंट करके, वो मुसलमानों को इस्लाम से दूर करना चाहते थे मस्जिदों पर पाबंदी लगा के, वो मुसलमानों को जिहाद से दूर करना चाहते थे। लेकिन आज उन्हें यह अंदाज़ा हुआ होगा लाजमी कि आप ये सारा कुछ करने के बावजूद जो मुसलमानों के दिल में राख में दबी चंगारी के मानंद वो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा मौजूद है। जो मैंने बहुत अहम देखी कि इनके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को मैंने घबराया हुआ नहीं देखा, इनके फैमिली मेम्बर्स में से मैंने किसी को परेशान नहीं देखा कि पता नहीं अब क्या होगा। और उनसे जब पूछा, मेरा तो था कि उन्हें जाके मोटिवेट करता कि आपने पीछे नहीं हटना, हम आपके साथ खड़े हैं, और जब जाके देखा तो उन्हें बिल्कुल पुरसकून पाया। वो कहते हैं कि यार ये हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले हैं, ये अल्लाह के मामले हैं, हम इन मामलों में कभी परेशान नहीं होते, हम तो सुरखरू हो गए हैं। हमने तो जब अपने काम पे थे और किसी ने वीडियो भेजी कि यार ये तुम्हारा भतीजा तो नहीं है, ये तुम्हारा भाई तो नहीं है, कहते हैं हम हैरान हो गए, बहुत परेशान हुए, लेकिन जब पता चला कि गुस्ताख को मार के आए तो कहते हैं हमारी सारी परेशानी खुशी में तब्दील हो गई। तो अल्लाह ताला हम सब को इस काबिल बनाए कि दुनिया में कहीं भी कोई गुस्ताख है तो हम उसे वासिल जहन्नम कर सकें। अल्लाह ताला हम सब को इस काबिल बनाए कि हम हकीकी मायनों में पाकिस्तान को सुपर पावर बनाएं। अल्लाह ताला हम सब को इस काबिल बनाए कि हम हकीकी मायनों में पाकिस्तान, पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी को, और अपने सबसे बढ़ के अपने मज़हब इस्लाम को दुनिया में मौजूद हर मज़लूम मुसलमान को डिफेंड कर पाएँ। अल्लाह ताला दीन इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। नौजवानों तुमसे कहता हूँ, दुनिया की तमाम इज़्ज़तें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हैं, उन्हीं के सदक़े में हमें सब कुछ मिला है, लिहाजा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कियामत में अगर मान गया। वस्सलाम।